अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। मैं आज बना रही हूँ जिंजर कैंडी, तो फिर चलें रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जिंजर कैंडी बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके गले के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए। मैंने यहाँ 100 ग्राम अदरक ली है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इसके बाद उसका छिलका उतार दिया और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैंने अदरक में 2 टेबलस्पून पानी डालकर उसे ग्राइंड कर लिया, उसका पेस्ट बना लिया। मैंने यहाँ 1/4 कप अदरक का ले लिया है। 1/4 कप का मतलब है 4 टेबलस्पून अदरक ली है मैंने। इसे मैंने फ्राइंग पैन पे डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से तकरीबन 30 सेकंड तक इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाती रहूँगी। 30 सेकंड्स होते ही इसके अंदर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो बस उस वक्त मैं इसकी कुकिंग रोक दूँगी। और यहाँ इसे पकते हुए तकरीबन 15 सेकंड्स हो चुके हैं, बस 15 सेकंड्स में से और पकाऊँगी। 15 सेकंड्स में ही ये अच्छी तरह से पक जाएगी और इसका जो भी पानी है वो खुश्क हो जाएगा। जब घर पर ही इतनी सस्ती और अच्छी साफ़ सुथरी जिंजर कैंडी बन सकती है, तो फिर बाहर से जिंजर कैंडी ख़रीदने की क्या ही ज़रूरत है। और यहाँ 30 सेकंड्स हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप गुड़ का। इस गुड़ को मैंने पीस लिया था, आप लोग चाहें तो गुड़ के छोटे छोटे पीसेस कर लें 1/2 कप और वो इसमें शामिल कर दें। गुड़ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो कोशिश किया करें वाइट शुगर की जगह आप लोग गुड़ इस्तेमाल किया करें। गुड़ के बेशुमार फ़वाद हैं। ये जिंजर कैंडी बस एक ही दफ़ा आप लोग बनाएं और रख दें, और जब भी आप लोगों को लगे कि आप लोगों का गला ख़राब है, गला दुख रहा है या आवाज़ बैठी हुई है, बस एक कैंडी निकालें और उसे चूस लें और आप देखिएगा फ़ौरन ही इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला से आप लोगों को आराम आ जाएगा। आजकल वैसे ही सर्दियां हैं और सर्दियों में तो गला ज़्यादातर हमारा ख़राब ही रहता है, मौसम की वजह से भी कुछ, और कुछ ये कि बीमारियां चल रही होती हैं, वायरल चल रहा होता है, तो इसी वजह से ये कैंडी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी आप लोगों को। और यहाँ इसे मैं अच्छी तरह से पका लूँगी तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, तकरीबन 2 चुटकी हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून ऑयल या घी, आप लोगों की मर्ज़ी है, मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। बस अब मैं इसे तकरीबन लो फ्लेम पर 1 मिनट तक और पकाऊंगी। हल्दी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है गले के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, तो जो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग ने इससे में लाजमी ऐड करनी है। और बस यहाँ ये पक चुका है, जो भी मोटे मोटे पीसेस हैं आपको उन्हें अच्छी तरह से इसमें घुला लेना है। और अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। यहाँ मैंने बटर पेपर ले लिया है, बस ये लास्ट ही बटर पेपर बचा था मेरे पास, उस पर मैंने 1 टीस्पून ऑयल लगा लिया और इस पर मैं अब ये कैंडी का मिक्सचर डाल दूंगी चमचे की मदद से। तकरीबन 1/1 टीस्पून आप लोगों को कैंडी का मिक्सचर डाल देना है इस तरह से। इस मिक्सचर से तकरीबन 9 कैंडीज आराम से बन जाएंगी। आप लोग चाहें तो साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम साइज़ की कैंडीज रखी हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। Thank you.
और यहाँ माशाल्लाह से 9 कैंडीज बन गई हैं। इस मिक्सचर से आप लोग आराम से 9 कैंडीज बना सकते हैं, और अगर साइज़ छोटा रखेंगे तो इससे भी ज़्यादा बन सकती हैं। बस अब मैं इसे रख दूँगी बाहर ही रूम टेम्परेचर पर, और 15 से 20 मिनट में ही ये जम जाएंगी। और यहाँ जिंजर कैंडी बिल्कुल रेडी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।